चलो बैंक निफ्टी को देखने की ट्राई करते हैं, समझने की ट्राई करते हैं। अभी अगर आप सिंपल चीज़ों को देखने की, जितना ज़्यादा मार्केट को सिंपल रखा जाता है ना उतना ज़्यादा सिंपल रखने की ट्राई करनी चाहिए। अभी अगर आप फिलहाल देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक क्लियर क्लियर मोमेंटम दिख रहा होगा कि जहाँ से मार्केट ने एक सेलअप दिखाया था, क्लियर क्लियर सेलअप दिखाया था। अब जब भी मार्केट ऐसा सेलअप दिखाता है ना, तब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लेवल के आसपास से कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलर एक्टिव होने के चांसेस वेरी हाई ऑलरेडी हो चुके हैं। उस तरीके से आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी को माइंड को रेडी करना पड़ेगा। एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, फिर आप ट्रेड करोगे, इस तरीके से ट्रेडिंग करने में जाओगे ना तो कोई सक्सेस कभी मिलने नहीं वाला, क्योंकि आपके पास ये सारी चीजों का माइंड क्रिएट बनना चाहिए कि मार्केट में बन क्या रहा है और मार्केट में क्या चल रहा है। सिंपल चीज, यहाँ से सेलअप आया है मतलब ये लेवल के आसपास आसपास कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव होने वाले हैं। मतलब ऊपर के साइड में देखा जाए तो 37,800 ये सारे लेवल्स पे कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव बने पड़े हैं। तो ये लेवल पे अगर सेलर्स एक्टिव बने पड़े हैं तो मार्केट यहाँ से कितनी भी कोशिश कर ले ऊपर जाने की, ये जा नहीं पाएगा, क्लियर क्लियर दिखा रहा है। और आपके सामने ही मैंने जैसे आपको बताया था ये कैंडल अभी बनने लगी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो अभी फिलहाल क्या हो सकता है देखते। अब देखो सिंपल सी बात है, पहली कैंडल ही बड़ी एक बार मार्केट ने बनाई है एंड उसी के अंदर अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब ज्यादातर ट्रेडर करते क्या है, ज्यादातर ट्रेडर गलती कहां पर करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि मार्केट को यहाँ पर वो पहले पहले क्या करते हैं, पहले मार्केट को बाय करते हैं, फिर मार्केट ऊपर नहीं जाता फिर मार्केट को सेल करते हैं, इसी के बीच में दो चार ट्रेड ले लेते हैं ऊपर नीचे के एंड दोनों साइड में ट्रेड की एसएल हिट करते हैं एंड फिर मार्केट को आकर वापस बोलेंगे कि मार्केट पैसा नहीं देता। चीजें ऐसे कभी नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपने मार्केट को सेल करके रखा है तो आपका एसएल कहीं ना कहीं प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर मार्केट को सेल करके रखा है एंड गलती से भी मार्केट ऊपर आकर आपका एसएल हिट कर जाता है तो इसका मतलब था कि आपने मार्केट को सेल किया, मार्केट ऊपर चला गया, आपका एसएल हिट कर गया। इसका मतलब एक एंट्री तो आपकी मार्केट में आज बनेगी नहीं, वापस सेल तो एंट्री बनेगी नहीं क्योंकि मार्केट ने आपका एसएल हिट किया। वापस गलती से भी आपने किया, मार्केट आपको ऐसा कुछ दिखा, मार्केट ने आपने बाय कर लिया, आपने बाय किया मार्केट को यहाँ पर एंड फिर मार्केट वापस आकर आपका एसएल हिट कर जाता है। इसका मतलब दोनों में से एक चीज हो चुकी है कि कहीं ना कहीं एक तो आप मार्केट में व्यू गलत देखना देख चुके हो जो आपको समझ ही नहीं आया है, या फिर एक बार तो आप अगर पहले बाय में एंट्री कर सेल में एंट्री करते हो फिर एसएल हिट होता है, फिर बाय में एंट्री करते हो एसएल हिट होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। जिस दिन भी आपकी एक बार बाय एंट्री एक बाय एंट्री एंड दूसरी सेल एंट्री, अगर ये दोनों साइड के एसएल एक बार में जा रहे हैं तो समझ लेना कि आप मार्केट में एक तो गलत हो चुके हो या फिर मार्केट आपके आगे नहीं जा चुका है, या फिर आज मार्केट ही इतना वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है कि ये कहीं पर भी जाने के मूड में नहीं है, आज दोनों साइड के एसएल हिट करने के लिए। लेकिन हम ये ज्यादा तो ये चीजों को याद नहीं रखते और हम क्या करते हैं, हम जानबूझकर मार्केट में बाय सेल कर करके इतना ज्यादा पैसा लूज कर जाते हैं कि मार्केट फिर हमें यहाँ पर खड़े ही नहीं रहने देता। तो ये सारी चीजों को समझना पड़ता है। अभी अगर फिलहाल बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी सेलअप कहां से आ सकता है, बैंक निफ्टी में सेलअप तभी आ जाएगा जब बैंक निफ्टी 37,350 के नीचे ट्रेड करेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके बीच में जो मार्केट के लिए लेवल है वो सारे लेवल मार्केट के ये है कि वहां पर मार्केट ऊपर भी जा सकता है फिर नीचे भी आ सकता है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर आपको बाय भी करना है मार्केट में तो बाय आप 37,650 के ऊपर बाय कर सकते हो, तब तक आप बाय नहीं कर सकते मार्केट को। तो दोनों चीजों के लिए जो लेवल मैं आपको बता रखा हूँ ये दोनों चीजों साइड के लिए लेवल के रखो, क्योंकि अगर मार्केट गलती से भी एसएल वगैरह हिट कर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट को एसएल हिट करने दो, क्योंकि ये हर बार एसएल हिट नहीं करेगा। अगर एक बार आपका एसएल हिट करता है तो चूंकि आपने 36,650 के ऊपर मार्केट को बाय कर लिया, आपने एसएल लगा लिया 50 to 60 पॉइंट का आपने एसएल लगा लिया, मार्केट ऊपर ना जाते वापस नीचे आपका एसएल हिट कर लिया, ये आपको क्लियर बता देगा कि मैं ऊपर अब जाने के लिए रेडी नहीं हूँ, फिर मैं नीचे आने के लिए रेडी हूँ, लेकिन फिर मेरा एसएल गया है इसके लिए हम यहाँ पर बाय सेल एंट्री नहीं कर सकते। ये चीजों को याद रखो, लेकिन बहुत सारे ज्यादातर ट्रेडर यही करते हैं कि मेरा एसएल गया है ना इसका मतलब अब मार्केट नीचे आ जाएगा तो एसएल में एंट्री करते, नहीं, सेल की एंट्री तभी बनेगी जब मैंने आपको क्लियर बता दिया 37,350 के नीचे ट्रेड करोगे तो काफी बढ़िया मोमेंटम आपको मिल जाएगा वो ट्रेड करोगे तो, नहीं तो नहीं, अगर आपको उससे भी ज्यादा और एक्यूरेट एंट्री चाहिए 37,450 के नीचे ट्रेड करो तभी जाकर आपको सेल एंट्री मिलेगी। तो ये लेवल अगर आपके माइंड में नहीं चल रहे कि इसके नीचे ये सारे, अगर आपको प्रॉपर पता नहीं है तो फिर ये चीजें ही ज्यादातर सबसे ज्यादा ट्रेडर को एक परेशानी करती रहती है और यही गलती हमें नहीं करनी होती है। तो होप आप सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन
तो मार्केट के यही लेवल से आपको समझना पड़ता है कि देखो अब मार्केट के उस लेवल के आसपास जाने की ट्राई कर रहा है जो मैं लेवल्स बता रहा था आपको। देखते हैं अगर वो लेवल के ऊपर निकल जाता है, प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखने लगता है तो मार्केट को बाय करने की कोशिश करेंगे, अगर लेवल को नहीं क्रॉस करता है तो मार्केट को सेल करने की कोशिश करेंगे। जितना सिंपल रख सकते हो रखो, क्योंकि मार्केट कंप्लीटली एक ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, मार्केट कहीं पर भी पीछे बिल्कुल भी नहीं आने की ट्राई कर रहा है। तो जब तक मार्केट आप प्रॉपर कहीं ना कहीं पिछले लेवल्स को कहीं ना कहीं तोड़ नहीं देता तब हम मार्केट को सेल भी नहीं कर सकते। लेकिन हम जबरदस्ती ऊपर नीचे सेल करते बैठ जाए तो कोई फायदा नहीं आते, ऐसे पैसे कभी नहीं बनते हैं, यहाँ पर बस लूज ही करते हैं। होप आप सारी चीज को समझ पा रहे हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।